एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ क्लास टेंथ 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट, पूरी तरह से आप लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि आप सभी का 2023 हिंदी के पेपर में पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया गया है। यानी जो क्वेश्चन पहले ठीक है नहीं आते थे, वो क्वेश्चन अब आएंगे, और जितने नंबर के पहले आते थे अब वो पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया गया है। यानी जो क्वेश्चन आप सभी का ठीक है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के आते थे, वो क्वेश्चन अब 4 नंबर के आएंगे, और जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के आते थे, वो क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे, और जो क्वेश्चन सिर्फ 4 आते थे, वो क्वेश्चन अब 20 आएंगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को पूरी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में जो क्लास टेंथ हिंदी में परिवर्तन किया गया है पेपर में, उस पेपर के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास टेंथ के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसमें आप सभी के पहले जो पेपर आते थे उससे पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया गया है। और ये जो खबर आई है ठीक है, ये जो पेपर आया है, ये आपके बोर्ड की तरफ से आया है, बोर्ड UPMSP की तरफ से आया है, इसलिए आप सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आप सभी के ठीक है विषय हिंदी है, क्लास टेंथ है, और यहाँ पे जो आपके यहाँ पे खंड अ में दिया हुआ है, ये बहुविकल्पी प्रश्न है ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुविकल्पी प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में अब 20 नंबर के आएंगे। जैसे पहले के पेपर जो होते हैं, जो कि हमने आप सभी को अभी परसों ही बताया है ठीक है, 2 दिन हो रहा है, तो जो पहले के पेपर थे उसमें सिर्फ आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आते थे वो सिर्फ 3 नंबर के ही आते थे ठीक है। इसके बाद आपका आगे का जो क्वेश्चन होता था वो छोटे छोटे क्वेश्चन होते थे, और वे क्वेश्चन आप सभी के 1-1 नंबर और 2-2 नंबर के थे ठीक है। यानी कि टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते थे, वो भी 3 बहुविकल्पी थे, और उसके बाद सभी क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने होते थे। लेकिन अब पूरी तरह से बिल्कुल परिवर्तन कर दिया गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में लिखित आता था अब वो बहुविकल्पी क्वेश्चन में ठीक है पूर्णांक 20 में आएगा। तो यहाँ पे हम आप सभी को जैसे बता दें पहला क्वेश्चन क्या है ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग, इससे संबंधित जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे ठीक है। तो वो यहाँ पे यानी कि 5×1 यानी कि 1 नंबर आप 5 क्वेश्चन आएंगे और 1-1 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर का आएगा, यानी शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से ही सिर्फ आपके बहुविकल्पी 5 नंबर के आएंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्या दिया हुआ है कि हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय ठीक है, यानी रीतिकाल और आधुनिक काल से, और आपके बोर्ड एग्जाम में ठीक है रीतिकाल और आधुनिक काल से, और इसके अलावा काव्य सौंदर्य के तत्व ठीक है, इससे यानी आप सभी के बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो यहाँ पे देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है ठीक है, ये भी इसमें भी पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया गया है इस बार, क्योंकि इसमें दिया हुआ है हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी रीतिकाल एवं आधुनिक काल ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन यानी कि 5×1 है, यानी कि इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, और ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, जो कि पहले लिखित आता था, लेकिन अब सिर्फ आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, यानी काफ़ी सरल कर दिया गया है ठीक है। और अगर आप लोग पिछले पेपर यानी पिछले कोई भी मॉडल पेपर बनाया हुआ है, अगर आप लोग उससे देख करके तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग बिल्कुल सावधान हो जाओ, क्योंकि आपके साथ घटना घटित हो जाएगा। आप लोग पढ़े कुछ और रहोगे, मॉडल पेपर कुछ और सॉल्व किए रहोगे, और आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ और आएंगे इस बार। इसलिए आप लोग सिर्फ न्यू मॉडल पेपर को ही देखिए, जो कि हमारे चैनल पर अपलोड है, और बहुत ही जल्द और भी सब्जेक्ट का अपलोड हो जाएगा ठीक है। तो इसलिए देखिए, यहाँ पे ये 5 नंबर यानी 10 नंबर का ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद यहाँ पे काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आ रहा है, और उसमें काफ़ी तरह से परिवर्तन भी कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे क में क्या दिया हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क में दिया हुआ है कि रस,
रस में आपके बोर्ड एग्जाम में हास रस और करुण रस, इसका आपको परिभाषा, ठीक है, उदाहरण और इसके साथ साथ इस बार पहचान भी लिखना है। और यहाँ पे इसका पहले आप सभी लोग परिभाषा, उदाहरण और पहचान लिखते थे, जो कि आप सभी को 2 नंबर मिलता था। आप लोग पिछले पेपर को देख सकते हो, लेकिन अब ये क्वेश्चन आप सभी का 1 नंबर का कर दिया गया है, ठीक है, यानी ये इसके नंबर को घटा दिए गए हैं। नेक्स्ट इस पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ख कि अलंकार। अलंकार में आपका अर्थालंकार यानी उपमा रूपक और उत्पेक्षा अलंकार आएगा। इसके साथ साथ इसके लक्षण और उदाहरण भी आप सभी को लिखना है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन 2 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आता था पिछले साल, लेकिन अब 2023 बोर्ड एग्जाम में ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, यानी 2 नंबर का ये नहीं रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ग, ठीक है, इसमें छंद है सोरठा और रोला, जो कि हमारे चैनल पे, ठीक है, यानी रस छंद और अलंकार हमारे चैनल पे 6-6 उदाहरण के साथ बहुत ही सरल तरीके से अपलोड है, बहुत ही सरल शब्दों में। आप लोग तुरंत जाकर हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो को देख लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए छंद में आपको सोरठा और रोला, वो भी लक्षण उदाहरण के साथ, तो ये भी 2 नंबर का आता था क्वेश्चन, सिर्फ अब 1 ही नंबर के ये तीनों क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आप सभी का 4था क्वेश्चन, जो कि हिंदी व्याकरण है। इसमें क्या है कि शब्द रचना के तत्व, ये भी आप सभी के, यानी जो 4था क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए और ये सिर्फ 1-1 नंबर का है, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर के आते थे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, उपसर्ग है पहला, ठीक है, यानी अ, ठीक है, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परिसु इत्यादि, यानी ये सब जो आपके बोर्ड एग्जाम में उपसर्ग आएगा, ये पहले 2 नंबर का आता था, लेकिन अब सिर्फ 1 नंबर का कर दिया है, क्योंकि यहाँ 4 क्वेश्चन दिए और 4×1 दिया हुआ है, यानी 1-1 नंबर के सभी क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है ख, ठीक है, यहाँ पे ख क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे प्रत्यय, यानी आई, त्व, ता, ठीक है, पन, वा, हट, वट, इस तरह से दिया हुआ है, ये भी 1-1 नंबर का ही आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आएगा, जो कि हमारे चैनल पे इम्पोर्टेंट अपलोड है प्रत्यय उपसर्ग। आप लोग जल्दी से जाओ और देखो, और हमारे चैनल से बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग अगर करोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में 95% आएगा और आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट बनोगे, ठीक है। और हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम में कापी कैसे लिखे भी वीडियो अपलोड है, जल्दी से आप लोग जाकर देखो। यहाँ पे ग में दिया हुआ है समास, यानी द्वंद और द्विगु समास आपको सिर्फ पढ़ना है, तो ये भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता था, लेकिन अब ये क्वेश्चन सिर्फ +1 नंबर का, यानी 1 नंबर का ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को तैयार कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है घ क्वेश्चन, यानी तद्भव और तत्सम एवं पर्यायवाची शब्द भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का आता था, लेकिन अब बिल्कुल भी माइनस कर दिया है, यानी +1 हो जाएगा, ठीक है, +1 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके बाद देखें नेक्स्ट आ गया टॉपिक, आप सभी के बोर्ड एग्जाम में जो आता है वह है 5वां टॉपिक, ठीक है, वह है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आप सभी के क, ख, ग दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है संधि यानी यण, इसमें परिभाषा और उदाहरण आप सभी को, और इसके साथ साथ पहचान भी लिखना है, ठीक है, जो कि 2 नंबर के आते थे, लेकिन अब आप सभी के बोर्ड एग्जाम में सिर्फ वो सिर्फ 1 ही नंबर का आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए और 3×1 दिया हुआ, यानी 1-1 नंबर सभी क्वेश्चन पे है, तो 1 नंबर का आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे शब्द रूप, फल, मति, मधु, ठीक है, नदी, सभी का दिया हुआ है, विभक्ति एवं रूप, तो ये भी 1 ही नंबर का आएगा। इसके बाद धातु रूप, पट और हस का, ठीक है, लट लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार, लिट लकार, लंग लकार, सबको आपको सभी को तैयार कर लेना है, जो कि हमारे चैनल पे, ठीक है, आप सभी का जो ये शब्द रूप है और यहाँ पे जो धातु रूप है, दोनों का ट्रिक अपलोड है, आप लोग ट्रिक से याद करोगे तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, खंड ब, इसमें आपका वर्णनात्मक प्रश्न आएगा, पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया है, जो आपके निबंध 6 नंबर के आते थे वो निबंध अब आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, ठीक है, गद्यांश पे आधारित प्रश्न, तो इसमें आप सभी के कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है,
क्योंकि ये 6 नंबर का ही आता था और 6 नंबर का आ रहा है, जो कि अभी हमने आप सभी को कल ही बताया गद्यांश पद्यांश हल करने की ट्रिक बोर्ड एग्जाम में, जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आप लोग जल्दी से जाओ और हमारे सभी वीडियो को देखो। हमारे चैनल पे क्लास 10th की संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है और बोर्ड एग्जाम में 95% टारगेट को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन भी क्या है, संस्कृत गद्य का ठीक है संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आपको करना है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि 5 नंबर का आ रहा है, जो कि 6 नंबर का आता था और ये अब 5 नंबर का कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे भी दिया हुआ है ठीक है संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, तो ये भी 6 नंबर का आता है, अब 5 नंबर का कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या है कि निर्धारित खंड काव्य से कथानायक का चरित्र चित्रण एवं तत्व आधारित प्रश्न आप सभी को करना है ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के आते थे वो सिर्फ अब 3 नंबर के ही आएंगे ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा तरीके से परिवर्तन कर दिया गया है। इसमें क और ख दिए हुए हैं, यानी निर्धारित ठीक है गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित, और यहाँ पे लेखकों का जीवन परिचय लिखना है एवं उनकी प्रमुख कृतियों को भी लिखना है ठीक है। इसमें आप सभी के पूरे तरीके से परिवर्तन कर दिया गया है, यानी जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जो होता था वो आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ वो सिर्फ 3 नंबर का आता था ठीक है। 2 नंबर आपको जीवन परिचय पर और 1 नंबर आपको कृतियों पर मिलता था, यानी टोटल 3 नंबर का था। ये क्वेश्चन पूरे तरीके से परिवर्तन कर दिया गया है, यानी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर जीवन परिचय पर और 2 नंबर आपको कृतियों पर मिलेगा ठीक है। तो इस तरह से आप सभी को यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको बोर्ड एग्जाम में जो कृतियाँ लिखेंगे तब आपको 2 नंबर उस पर भी मिलेगा, यानी टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में अब जो जीवन परिचय है वो 5 नंबर का आएगा ठीक है। इसलिए आप सभी लोग पहले के मॉडल पेपर को जितने लोग अपलोड किए उसको मत देखिए आप लोग हिंदी ठीक है, क्योंकि पूरी तरीके से परिवर्तन कर दिया है और पहले के मॉडल पेपर में 3 नंबर का जीवन परिचय बताया जा रहा है, लेकिन अब वो जीवन परिचय 5 नंबर का हो गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए खंड ख में दिया हुआ है 6वें के कि निर्धारित ठीक है पद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय आप सभी को लिखना है और उनकी कृतियों को भी लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अब 5 नंबर के आएंगे, जो कि 3 नंबर का आता था ठीक है, लेकिन अब ये क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए आप सभी लोग काफ़ी सावधानी से काम करिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7वां क्वेश्चन, 7वां में क्या कि संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ श्लोक आपको लिखना है, जो कि इस प्रश्न पत्र में नया हो। तो ये तो बिल्कुल सेम है, 2 नंबर का आता है, 2 नंबर का आएगा ठीक है। 8वां है संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर लिखना है ठीक है। तो ये भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 नंबर का आता है, लेकिन इसमें भी परिवर्तन कर दिया है, ये 4 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है इस बार ठीक है 2023 में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 9वां, जो कि इसमें पूरी तरीके से परिवर्तन कर दिया गया है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 6 नंबर का आता है और अब ये क्वेश्चन 9 नंबर के आ रहे हैं। तो आपको 9 नंबर की तरह लिखना भी होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध है, जो कि हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग तुरंत जाकर देखिए ठीक है। इसमें आपको निबंध यानी रचना, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ठीक है, इस तरह से आप सभी को लिखना है। पर्यावरण, यातायात पे आधारित, इन सभी पे आधारित लिखना है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अब सिर्फ वो सिर्फ 9 नंबर कर दिया गया है, यानी कि ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अब 9 नंबर के आएंगे। तो यही रहे आपका 2023 बोर्ड का पेपर, यानी इस तरह से आपके 2023 बोर्ड के पेपर में इस बार परिवर्तन कर दिया गया है ठीक है। आप लोग इसको जल्दी से तैयार कीजिए और आप लोग अब न्यू मॉडल पेपर से स्टडी कीजिए, आप लोग अब ओल्ड मॉडल पेपर को मत देखिए, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम में कोई काम का नहीं रहेगा आपके लिए। तो आप लोग जल्दी से, अगर आप सभी को और भी मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। न्यू मॉडल पेपर हमारे चैनल पे बहुत ही जल्द आने वाला है और पहले से भी अपलोड है, तो आप लोग जल्दी से देखो और हमारे चैनल से क्लास 10th की 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो और आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95% लाओ और एक टॉपर स्टूडेंट बनो ठीक है।
तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करो, जिससे कि उनको भी पता चल जाए कि हाँ पूरी तरीके से बोर्ड परीक्षा 2023 हिंदी की पेपर बदल चुकी है। और आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।